जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगा हूँ वो हैं काले भुने हुए मसालादार चने। ये मेरी वालदा बचपन में जब मैं छोटा होता था तो वो बनाती होती थी, तो मुझे ये बहुत पसंद थे। तो आज मुझे काफ़ी दिनों के बाद ये याद आया, तो मैंने कहा चलें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये रेसिपी जब आप बनाएंगे तो जब क्योंकि मेरी फैमिली में भी काफ़ी लोग पसंद करते थे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी, आप ट्राई करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें, अब जो मैं आज रेसिपी बनाने लगा हूँ ये उस चीज़ के इंग्रेडिएंट्स हैं। आए आप, ये हैं काबली चने, जो मैंने 3 पाउंड हैं काबली चने जो मैंने रात को भिगो के रखे थे, होल नाइट ये भीगे रहे हैं। अब इनका यानी कि मैंने ड्रेन पानी इनका ड्रेन कर दिया हुआ है, और इसमें तकरीबन इस साइज़ के तकरीबन 6 अदद प्याज जाएंगे, इस साइज़ के मीडियम साइज़ के 3 अदद टमाटर जाएंगे, लहसुन अदरक पेस्ट है 5 टीस्पून लहसुन अदरक पेस्ट जाएगा, इसमें हल्दी जाएगी 2 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून लाल मिर्च जाएगी, 2 टेबलस्पून नमक जाएगा, और ये एक वो है साबुत मिर्च और साबुत धनिया, इसको मैंने ग्राइंड किया हुआ है, ये इसमें जाएगा। ये 1 टेबलस्पून गरम मसाला है, ये इसमें जाएगा, और ये काली मिर्च है, ये इसमें जाएगी। ये लेकिन ये 2 चीज़ें जो हैं ये बाद में ऐड करूँगा, आपको बताऊँगा कैसे करनी है। चलें आए अब आगे मैं कैसे स्टार्ट करूँगा फिर आपको बताता हूँ। अब ये देखें, मैंने ये ओनियन काटे इस तरह। अब ये मैं टमाटर काटने लगा हूँ, टमाटर को यानी कि ब्रीक ब्रीक नहीं काटना है, ऐसे लंबे स्ट्रेट काट के आप ये देखें और इनको ऐसे बस दो कर, ज़्यादा नहीं इनको ब्रीक करना। जी नाज़रीन, अब ये देखें मैं सारी चीज़ें मिक्स करने लगा हूँ। चने डालने हैं पहले, आपने प्याज डाल देने हैं इसमें, टमाटर डाल देने हैं आपने इसमें, ये लहसुन अदरक पेस्ट डाल देना है इसमें, नमक 2 चम्मच, नमक सबसे जायका, क्योंकि हर डिफरेंट डिफरेंट होता है नमक का टेस्ट, आपके पास जो नमक होगा और देख लीजिएगा कितना आपने डालना है टेस्ट के हिसाब से। और ये 3 लाल मिर्च और ये तकरीबन 2.5 चम्मच हैं वो जो मसाला है, ये एक मेरा सीक्रेट है जो मैं इन चीज़ों में करके वो डालता हूँ। ये मेरी सिंपल सा ही है, जैसे सीक्रेट कहते हैं बनाई हुई सीक्रेट, यानी कि मेरी एक रेसिपी काफ़ी देर से मैं इसे बनाना चाहती हूँ, इससे टेस्ट काफ़ी डिफरेंट आ जाता है मेरे खानों में, तो इसलिए लोग वो हो जाता है। और ये हल्दी डाली है मैंने 2 चम्मच, ठीक है। बाकी ये गरम मसाला और ये काली मिर्च जब भूनेंगे बाद में ये उस पर डालेंगे, और इसमें अब जाएगा पानी तकरीबन 1 गैलन के करीब मैं पानी इसमें डाल रहा हूँ, क्योंकि चने होते हैं बहुत टाइम लेते हैं ये गलने में, काले चने हैं। आप कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में मैं नहीं ज़्यादा यानी कि थोड़े हों तो यानी बना लेते हैं, लेकिन जो मज़ा ऐसे आता है बनाने में वो कुकर के खानों कुकर में बनाए हुए चीज़ों में नहीं आता। तकरीबन 1 गैलन पानी डाला है मैंने, और अब इसको मैं मिक्स करूँगा। देखिए इसकी लुक यानी कि जैसे अच्छी तरह मिक्स करके इसको, क्योंकि ये मीडियम स्पाइस से बना रहा हूँ, ज़्यादा स्पाइसी नहीं। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप बाद में भी साथ साथ देख के आप इसमें और थोड़े से यानी कि मसाले अपनी तरफ ज़्यादा, अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब ये तकरीबन इसको 3 से 4 घंटे लगेंगे बॉयल होने में, और इसको मीडियम फ्लेम में रख के ना आपने इसको पकाना है, हाई फ्लेम पर रख के नहीं बनाना, क्योंकि हाई फ्लेम पर पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा, चने नहीं गलेंगे, सब रहेंगे। मीडियम पे रख के पड़ा रहेगा तकरीबन 3 घंटे, तो उस दौरान यानी कि ये गल जाएंगे चने, क्योंकि सारी रात जो भीगे हुए हैं इसलिए।
चलिए अब मैं आपको मिलता हूँ तकरीबन बीच में, मैं मिलता रहूँगा तकरीबन 3 घंटे के बाद दोबारा इसके आपके साथ आके, यानी कि मैं दोबारा बताऊँगा, लेकिन बीच में आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद बताता रहूँगा क्या क्या करना है। चलिए ओके नाजरी, मिलते हैं आपको। अब मैंने आपको कहा था 3 से 4 घंटे लगेंगे तकरीबन, अब 3.25 घंटे हो गए हैं। अब ये देखें 3.25 घंटे के बाद ये इस कंडीशन में आ गए हैं। अब इसमें हम ऑयल डाल के इसको भुनेंगे। तकरीबन ये 1 कप ऑयल है, ये देखें 1 कप ऑयल में डाल रहा हूँ इसमें, और इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगा ऑयल डाल के। इसको लगेंगे तकरीबन 10-1 मिनट लगेंगे इसको भुनाई में। जैसे ही कैसी आ रही है इसकी, जब इसको और भुनेंगे तो और ज़्यादा अच्छी होती जाएगी और टेस्ट इसका, जब आप खाएंगे तो फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। देखें अब कैसे ही इसकी लुक आ रही है, ऑयल भी आस्ते आस्ते इसने करना ऊपर आना शुरू हो गया है इसने। अभी थोड़ा सा और 5-1 मिनट हो इसको थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि बुनाई क्योंकि अच्छी बुनाई होगी तो फिर, क्योंकि हम पंजाबी लोगों में जो है तो अच्छा खाना बुना हो तो पता नहीं हमें फिर ही मज़ा आता है खाने में। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ज़्यादा बनाई अच्छी भी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिसमें ज़्यादा सही तरह भुना हो तो फिर ज़्यादा मज़ेदार होता है जी। इसमें थोड़ा सा ज़रा कुछ चीज़ों में टाइम लगता है इसलिए भुनने में, बस अभी थोड़ी 5-1 मिनट में और इसको भुनूँगा तो इंशाल्लाह फिर 5-1 मिनट बाद में दोबारा मुलाकात करूँगा जी। ना देखें अब ये बस 1-2 मिनट और लगेंगे, और ये मैंने थोड़ा सा पानी रखा है, जब ये भून जाएगा इसको दम पे रखने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। नाज़रीन आप देखें माशाल्लाह अब ये भून गए हैं, इंशाल्लाह अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगा। ये 1 कप और मैंने डाल दिया, ये देखें, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आपको अपने यानी कि ज़्यादा शोरबा के जैसे लोग को डालते हैं, क्योंकि शोरबा बना लेते हैं आप 3-4 कप भी इसमें डाल सकते हैं, 4 कप डालेंगे तो फिर वो ज़्यादा शोरबा हो जाएगा जैसे वो, क्योंकि काले से नहीं क्योंकि शोरबे वाले ही ज़्यादा लोग पसंद करते जब चावलों बनाने हो तो। लेकिन और इसमें अब ये 1 चम्मच गर्म मसाले की थी वो मैंने डाल दी है, वो ये काली मिर्च जो आपको कहा था वो मैंने डाल दी है इसमें, ठीक है। तो बस इसको मैं तकरीबन 5-1 मिनट दम पे रखूँगा और फिर इसको फ्राई लग जाएगा, फिर इसको मैं आपको बाद में इसकी गार्निशिंग करके बताऊँगा, निकाल सकती शॉप करके कैसी फाइनल शक्ल कैसी आई है इंशाल्लाह। माशाल्लाह नज़र तो बहुत अच्छी आ रही है, आपको भी जब फाइनल हो जाएगा तो फिर आपको भी अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। मैं आपको 5-1 मिनट के बाद दोबारा मिलता हूँ। ओके लाफिज़ चल जी ना जी, तकरीबन 5 मिनट तो हो गए हैं और इसमें मैं थोड़ा सा ये गार्निश करने लगा हूँ। ये थोड़ा सा धनिया डालूँगा इसके ऊपर अभी, और थोड़ा सा ये अदरक डालूँगा, अदरक से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और इसको मैं 5-1 मिनट 2-3 मिनट और इसको मैं दम पे रखूँगा, फिर उसके बाद डिकोड करता हूँ। नाज़रीन आप ये देखें फाइनल लुक इसकी बिल्कुल फाइनल हो गया है, अब इसको मैं डिश आउट करूँगा। माशाल्लाह देखें कितनी नाइस लुक आ रही है अब आपको। ये हैं काले मसालादार चने। अब इसमें मैंने ऐसे अब डिश आउट किए हैं, बीच में अगर आप कोई लोग इसको बिल्कुल ड्राई भी खाना चाहते हैं तो ड्राई भी थोड़े से हाफ निकाल के थोड़ा सा पानी आप डाल के वो भी कर सकते हैं। और ये अब फाइनल हो गया जी काले मसालादार भुने हुए चने। ओके नाज़रीन
और आप मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, बना के अपने ट्राई टेस्ट करके फिर मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे, कैसा अच्छा कैसी है चीज़ ये। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात दोबारा होगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।